तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बावजूद केंद्र सरकार कानून वापस नहीं लेने की बात कह चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी किसानों के साथ और उनके आंदोलन का समर्थन करती नजर आ रही है। गुरुवार को भंडारा जिले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। वैसे अब तो इस आंदोलन का स्वरूप ही पहले की तुलना में बदल गया है, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में भंडारा से लाखनी तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोल और फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को महाराष्ट्र में उनकी फिल्म की शूटिंग नहीं होने देने और रिलीज नहीं करने की भी चेतावनी दे चुकी है। केंद्रातल नरेंद्र मोदी च भाजप च सरकार ज्या निर्लज्जपणाने वागता है, गेल्या अडीच महिन्यापासून कड़क थंडी मध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी अपना जीव गमावला। ते तीन काळे कायदे जे केंद्र सरकार ने आपल्या मूडभर उद्योगपति मित्रांसाठी तयार केले, त्या कायद्याच्या विरोधात शेतकरी त्या ठिकाणी आंदोलन करता है आणि ते तिन्ही काळे कायदे बदलले पाहिजेत यासाठी त्यांच्या समर्थनात आज भंडारा या ठिकाणी पदयात्रा आणि त्या तिन्ही कायद्याला तातडीने केंद्र सरकारने नरेंद्र मोदीच्या सरकारने भाजप सरकारने बदलवले पाहिजेत ही मागणी घेऊन आम्ही या ठिकाणी आज भंडाऱ्यामध्ये आंदोलन करतोय। त्याच्यामध्ये पदयात्रा सुद्धा आम्ही करतोय। डिझेल आणि पेट्रोलच्या मोठ्या प्रमाणात दरवाढ, गॅसची दरवाढ, त्याच्यामुळे सामान्य लोकांचं जगणं मुश्किल झालेलं आहे। आम्ही कालही सांगितलं की ज्यावेळेस मनमोहन सिंग साहेबांचं सरकार होतं त्यावेळेस अमिताभ बच्चन असतील, अक्षय कुमार असेल, हे ट्यूट्यू करायचे म्हणजे ट्विटच्या माध्यमातून त्याच्यावर टीका करायचे। आज का ते चूप आहेत? महाराष्ट्रामध्ये अमिताभ बच्चनचा पिक्चर किंवा शूटिंग, अक्षय कुमारचा पिक्चर असेल किंवा शूटिंग, हे महाराष्ट्रामध्ये आता आम्ही चालू देणार नाही। या केंद्र सरकारच्या देशविरोधी धोरणाच्या विरोधात त्यांनी सुद्धा ज्याप्रमाणे लोकशाहीच्या मार्गाने मनमोहन सिंगाच्या सरकारच्या वेळेस ते ट्यूट्यू करत होते, ट्वीट करत होते, आजही जे अत्याचार आणि अन्याय मोदीचं सरकार करते आहे त्याच्या विरोधातही त्यांनी आपली भूमिका मांडावी, आणि नाही मांडली तर आम्ही सांगितलेला तो पवित्रा महाराष्ट्रामध्ये त्यांचे सिनेमे, त्यांचे शूटिंग आम्ही बंद पाडू अशी व्यवस्था आम्ही करणार आहोत।